नमस्कार दोस्तों, आप स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एग्जाम क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है एसएससी परीक्षा में हमेशा पूछे गए सवाल और उसके उत्तर। तो पहला क्वेश्चन है नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? इसका आंसर है सिक्किम में। दूसरा है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कब आरंभ हुई? इसका आंसर है 1981 में। तीसरा क्वेश्चन है वंश परंपरा तथा विकास किसके द्वारा तय होता है? उत्तर जीन डीएनए द्वारा। चौथा क्वेश्चन ये मोस्ट टॉप है कि देवगिरी वर्गर मालाबार और मदुरा विजय के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? इसका है मलिक काफूर। और कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी कौन सी है? दैनिक भास्कर नहीं है, इसका आंसर है पीटीआई। दैनिक भास्कर में कंज्यूमर ज्यादा में है और सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है पीटीआई। सर्वप्रथम किस भारतीय साहित्यकार को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? किस भारतीय साहित्यकार को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया? आंसर रविंद्रनाथ टैगोर को। सातवां है प्रतिरक्षा शब्दावली में हमले के नियत समय को क्या कहा जाता है? लोकसभा जब दोनों सदन एक दूसरे सवाल जवाब करते हैं तो उसको कहते हैं जीरो आवर, यानी जीरो घंटा। एनी बसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की? इसका आंसर सितंबर 1916 में। नौवां समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका। बांग्लादेश नहीं है, म्यांमार नहीं है, श्रीलंका है। सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? इसका आंसर है 4 जुलाई। एसएससी एमटीएस 10 प्लस 2 सीजीएस सीपीएसआई सीडीएस यूपीएससी बैंक वगैरह क्वेश्चन बैंक देखते हैं, पर जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होती है उनमें ये क्वेश्चन बोलता है कि सूर्य पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को। ग्यारह क्वेश्चन है मृत्यु जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब हुआ? डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट कब से चालू हुआ? 1969 से। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नक्काशीदार ईंटें मिली? आंसर है कालीबंगा। तंजौर शैली किस नृत्य की प्रमुख शैली है भरतनाट्यम की? ये क्वेश्चन आता है, लास्ट ईयर भी आया था कि तंजौर शैली किस नृत्य की प्रमुख शैली है भरतनाट्यम की। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? आंसर है 1/10 सेकंड का। कि कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड रहता है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? इसका आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कौन सा पुरस्कार एशियाई नोबेल के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है रेमन मैग्सेस पुरस्कार। कि एशिया का नोबेल किसे बोलते हैं? रेमन मैग्सेस। ये साहित्य में दिया जाता है किसे वगैरह उनको। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? आंसर है साधारण बहुमत। नोबेल पुरस्कार सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा। इनका नाम बोल गया संत मदर टेरेसा। रेगुलेटरी एक्ट कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी में। आर्थिक नियोजन किस सूची में है? समवर्ती सूची में। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन किस सूची में? समवर्ती सूची के अंदर आता है आर्थिक नियोजन। काशी विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 1916 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? दादाभाई नेहरू जी ने। प्रथम राष्ट्रीय आय खांकी दादाभाई नेहरू जी ने किया था। मंजूर उल हक किस क्षेत्र से संबंधित है? गायक गायन क्षेत्र से। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? अर्थशास्त्र में। ये काफी बार पूछा जा चुका है कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? अर्थशास्त्र में। भारत की किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत है? गंगा नदी का। भारत सबसे बड़ी नदी है गंगा, सबसे बड़ी नदी गंगा। गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री। हमारा ये आर्टिकल पढ़ने के लिए आपको धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। और ये एक पत्रिका तो सामग्री नहीं है, एग्जाम क्लासेज के लिए कॉपरेट किया गया है। फॉलो कीजिए एग्जाम क्लासेज को, अपडेट रही नहीं इसका तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम क्लासेज। अगर आपको ये वीडियो लगे तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए। हमारा फेसबुक पेज www.facebook.com/exam क्लासेज।
सकता है न्यू क्लासेस के, और अगर आपको व्हाट्सएप पे चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9268555333। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम क्लासेस।